हेलो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले क्या हाल चाल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक इलाकाई छोटे से मवेशी मंडी में, जहाँ आपको 99% सिर्फ और सिर्फ चांद बैल देखने को मिलेंगे। आज तक के आप लोगों ने ज्यादातर लोगों को बकरा ईद के सीजन में बकरा बकरी गायें बैल या फिर इस तरह के हलाल जानवरों को कुर्बानी करते हुए देखे होंगे, लेकिन यहाँ के लोग शौक से चांद बैल कुर्बानी करते हैं और वो भी बहुत शौक से। जबकि इन चांद बैलों के सिंगों को देख के अच्छे अच्छे बंदों की भी हवा टाइट हो जाती होगी, लेकिन यहाँ तो भाई बच्चे बच्चे शौक से लेके घूम रहे फिर रहे और कुर्बानियां कर रहे हैं इनकी। समझ लो इनके ये कुर्बानी करने के शौक ऐसे हैं कि अगर आप इस इलाके में आओगे तो आपको 99% हर गली के कोने में यही चांद बैल बने हुए दिखेंगे और यहाँ तक के हर गेट के आगे भी यही चांद बैल बने हुए दिखेंगे। नहीं आता आप लोगों को यकीन, तो चलो थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं इस व्लॉग को। राजी के स्टोरी अब पसंद आ रही है। अच्छा, अब जब हम उस मवेशी मंडी में पहुंचने के लिए घर से निकले तो हमें सबसे पहले तो रास्ते में ये वाला चांद बैल दिखा, जिसको कुछ छोटे छोटे बच्चे लेकर घूम रहे थे। फिर हमें ये दिखे, फिर ये, फिर ये जो रोड में ही पुदकने लग गए। कमल के तू टन कर लियो, मैंने वीडियो में साथ सपना देखा, गाय ने उड़ा दिया मेरे को, साथ तू ही था। इस साइड में ले लें तो गाड़ी को। फिर उसके बाद हमने देखा भाई साहब इसको, बब्बा शेर जो थोड़ा खुजाने में मसरूफ था, लेकिन इसका एटीट्यूड चेक करो भाई, तो गुस्से देख रहा है। कितने का होगा? 4-5 है ना, पूरे फ्रेम पे नहीं आ रहा है, फ्रेम पे नहीं आ रही है। अच्छा, अब जैसे ही हम उस मवेशी मंडी के करीब पहुंचने लगे, यानी कि उस इलाके में पहुंच गए, तो हमें वहां और भी एक से एक चांद बैल देखने को मिले। आराम से, बिल्कुल आराम से। गली के अंदर ले जाओ, तेरे को वो रहा उधर गली के अंदर, गली के अंदर भी वीआईपी पास जाएगा, जाके वहां गली में पत्थर डलेंगे, काम खराब हो जाएगा सारा। ये देख पता करके देख सकता गाड़ी संभाली थी, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा ना, इनके टेस्टिकल दिखते नहीं है। ये किसका नंबर वाला देख, जिसकी हेड भी कम है जानवर है जा। तो अब पहुंच गए हम अपने लोकेशन मवेशी मंडी में, जो 100 क्वार्टर के फुटबॉल ग्राउंड में लगता है। चलो आओ, अब जरा आपको वहां की थोड़ी सैर करवाता हूं। गाड़ी को कई अच्छी जगह लगाते हैं वीडियो वहां पे। ये देख मेरा चल ले जाना से, ये बेसिकली देख रहा है क्या, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। आ
बच्चे बहुत गाय खाने का चिंपैंजी आ रहे पीछे अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हो गया? इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो मेरे को? हैं मैं तो देखने आया हूँ तुम्हें, क्या हुआ? चलो बकरे तक अल्लाह हाफिज। ओ फल चलाने वाले वो सही ही काम में लगा देते, एक ही काम में लगे रहते, इधर उधर ध्यान देते ही नहीं। उसको रिकॉर्ड करना, देख रहा ये जो है ना, ये अपने तरफ को आ रहा है। ओ गाय आ रही है, गाय आ रही है, वीडियो देखिए उसकी तरह घर को आ रहे हैं, क्या करें फिर बताओ। गाड़ी बाबा कौन फाड़ रहा है? गाय लग रहा भाई, यहाँ सबसे अच्छी गाय कौन सी लगी आपको बताओ, सबसे अच्छी कौन सी लगी? आज यहाँ गाय क्यों कम है? कल मैंने देखा था इतने सारे थे। हाँ गया, सबसे बड़ी गाय दिखाओ मुझे यहाँ के। चलो कौन सा? ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा। आज ये कौन है बता? अच्छा मैं बताऊंगा, ये मेरा आंटी का बेटा। ये देख के जाए ना, कुछ बोलना चाह रहे थे बोल नहीं पा रहे। हाँ मेरे भाई मेरी बात सुनो, यूट्यूब में जाना, लाल कलर का होगा एक छोटा टीवी मोबाइल में, उसमें जाके सर्च करना राइजी फन। क्या? हाँ क्या होगा उससे? मेरा चैनल मिलेगा, मैं मिलूँगा वहाँ पर। उसमें वीडियोस देखना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है? जरूर। तो बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बकरा ईद वाली दिन वीडियो में। और उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसीलिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो जरूर करना, और उसके बाद इस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। हेलो दोस्तों, लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए, अरे कर दो ना मत शर्माइए। हाँ हो गया, चलो अब जाइए।